हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मी माय सेल्फ रुबीना। सो ये वीडियो में मैं आपको 10 एम्ब्रॉयडरी स्टिच बताऊंगी। सो उसके लिए मैंने एक फोल्डर रेडी किया है और मैंने दो कलर कॉम्बिनेशन के कार्ड पेपर यूज किए हैं। कुछ पेजेस मैंने छोड़े स्टार्टिंग पे इंडेक्स के लिए। सो ये मेरा फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी स्टिच है, बेसिक स्टिच, दिस इज कॉल्ड रनिंग स्टिच। ये एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने सैटिन फैब्रिक यूज किया जो किसी भी फर्नीचर की दुकान पे मिल सकता है, 16 रुपीज मीटर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये फ्रिंजेस है। सो मूव टू अवर नेक्स्ट मोटिव, दिस इज द बैक स्टिच, यू कैन सी चैन स्टिच। इसमें मैंने ये मोटिव के लिए मैंने गर्ल विथ बटरफ्लाई यूज किया है। सो आप देख सकते हैं विथ डिफरेंट कलर ये कितना अच्छा लग रहा है। सो ये है स्टेम स्टिच, जो ये जो है ये स्टैम्प स्टिच है और ये सैटिन स्टिच है। सैटिन स्टिच के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये है विप स्टिच, मैंने विपिंग किया है दो कलर से, व्हाइट और पिंक कलर से। सो इस मोटिव के लिए मैंने एक बो चूज किया है। लेजी डेजी स्टिच, ये मेरा फेवरेट स्टिच है। सो मैंने इसके लिए एक बैलेरीना गर्ल चूज किया था और मैंने दिस इज कॉल्ड फ्रेंच स्टिच, फ्रेंच नॉट। सो ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रेंच नॉट है और इसमें रनिंग स्टिच और स्टेम स्टिच मैंने यूज किया है। स्टिच है ब्लैंकेट स्टिच। सो ये ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है ये ब्लैंकेट स्टिच है और ये येलो ऑरेंज ये सब डिफरेंट स्टिच है जो मैंने पीछे दिखाया है आपको। ये है सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच मोस्ट ऑफ पिलो कवर और कुशन कवर के लिए यूज होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। सो ये लास्ट है, दिस इज कॉल्ड बटन होल स्टिच, यू कैन सी दिस इज अ बटन होल स्टिच एंड आई यूज्ड अ फ्रेंच नोट आल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।